So today we will discuss about calorimetry. Calorimetry deals with measurement of heat. So in earlier class we studied about thermometry. Thermometry was about measurement of temperature. Okay. So how to measure heat? That is our subject. So we'll discuss about measurement of heat. That is calorimetry. Now, how to measure the heat? Suppose you have a mass, you have a body of mass. This is suppose M1. M1 is the mass of the body. Same body you have taken with a different mass, M2. ठीक है? अभी दोनों body का temperature जो है theta degree Celsius raise करना है. किसमें ज्यादा हीट लगेगा, किसमें ज्यादा हीट देना पड़ेगा? दोनों का मास डिफरेंट है, M2 इज ग्रेटर देन M1, दोनों का टेम्परेचर सेम रेज करना पड़ेगा. इसका भी टेम्परेचर थीटा डिग्री बढ़ाना है, इसका भी थीटा डिग्री बढ़ाना है. तो हीट किसमें ज्यादा लगेगा? M1 पे. क्यों? M1 का तो मास कम है. अच्छा, सॉरी, M2 का मास ज्यादा है. M2 करेक्ट. सो देखो, फिर से मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारे पास एक ही मटेरियल का दो बॉडी है, दोनों सपोज कॉपर का है, इसका मास ज्यादा है, दोनों का टेम्परेचर सेम बढ़ाना है. ठीक है, तो मास जिसका ज्यादा होगा उसमें ज्यादा हीट लगेगा. क्लियर? सो हीट इज प्रोपोर्शनल टू मास व्हेन थीटा इज कॉन्स्टेंट. सेम टेम्परेचर बढ़ाना है व्हेन टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट. हायर इज द मास, हायर विल बी द हीट रिक्वायर्ड. ठीक है, अभी नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन. सपोज तुम्हारे पास सेम मास है, ये भी एम है, ये भी एम है, इसका टेम्परेचर थीटा 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, इसका टेम्परेचर थीटा 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, और थीटा 2 ज्यादा है, इसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाना है. इसमें हीट ज्यादा लगेगा? थीटा टू में. क्यों? बिकॉज इसका टेम्परेचर ज्यादा है. सो व्हेन मास इज कांस्टेंट, देन द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर इज हायर फॉर हायर टेम्परेचर राइजिंग, फॉर राइजिंग द टेम्परेचर टू ए हाई डिग्री. तो हीट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन एम इज कांस्टेंट, व्हेन द मास इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट. ठीक है, तो ये दोनों को कॉम्बाइन करके हम लिख सकते हैं कि हीट इज प्रोपोर्शनल टू एम इनटू थीटा व्हेन बोथ आर चेंजिंग. करेक्ट. अभी इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए क्या है अपने पास? इक्वल साइन और सम कांस्टेंट एम इनटू थीटा. दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. एस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ठीक है, अच्छा ये क्या डिटरमाइन करता है? सपोज ये कॉपर का है, ये एल्यूमिनियम का है ना, और दोनों का मास अगर सेम भी है, टेम्परेचर सेम रेज करना है, सेम डिग्री रेज करना है, तो चूंकि मटेरियल डिफरेंट है तो हमको हीट किसी में ज्यादा होगा, किसी में कम होगा. सो इफ द मटेरियल इज चेंजिंग देन द amount of heat required will also change. ठीक है, so heat is proportional to m theta and this. Now this specific heat capacity will vary from body to body. ठीक है, material to material उसका variation होगा specific heat का. So what is the unit of specific heat capacity? इसका unit of heat is joule, h by m theta. Correct. H by m theta is s. इसका यूनिट एंड डायमेंशन क्या होगा? एच का क्या है? एच इज जूल. ठीक है, जूल. मास का क्या है? केजी पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, और अगर केल्विन में लोगे तो केल्विन, तो पर डिग्री सेल्सियस. सो दिस इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ठीक है, अच्छा डायमेंशन क्या होगा? एच का H is heat, heat is energy, ml square t to the power minus 2, m is mass,
theta you can represent is by theta, temperature you can represent by Kelvin or theta. So mm cancel, so we can write this is equal to L square T to the power minus 2 theta to the power minus 1. Sometimes we can write m to the power 0 here, because m to the power 0 here. So L square T to the power minus 2 theta to the power minus 1. Clear? So now to measure heat, this is the formula we will use. H is equal to m s theta. Okay. Now, what is the definition of a specific heat capacity? Definition of a specific heat capacity, kaise hum define karenge? Bolo. We'll start with this formula. H is equal to ms theta. So, s humko nikalna hai, s ka definition. So, if m equal to 1 kg, suppose 1 kg ka body hai, theta is equal to 1 degree Celsius. So H equal to how much होगा? 1 into S into 1. So H is equal to S. So the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of that substance by 1 degree Celsius, by unity, is called the specific heat capacity. ठीक है? Clear होना? Unit mass of the substance का temperature यूनिटी मतलब 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितना हीट लगेगा उस हीट को क्या कहा जाएगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. सो जैसे वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसे कहा जाता? वाटर में एक्चुअली जो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है ना वो डिफरेंट है. क्योंकि सपोज मैं वाटर का टेम्परेचर से 6 डिग्री से 7 डिग्री करता हूँ, 60 से 61 डिग्री करता हूँ, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज डिफरेंट, अ लिटिल बिट डिफरेंट. ओके, सो 1 डिग्री से 100 डिग्री तक करने में जितना हीट लगता है उसको अगर 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो मीन स्पेसिफिक कैपेसिटी वाटर का निकलेगा. ओके, बट फॉर डेफिनेशन हम क्या बोलते हैं, वाटर का टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस रेज करने के लिए जितना हीट लगता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर. द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर. ठीक है, नाउ गैस में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिफरेंट. देर आर टू वैल्यूज ऑफ स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ गैसेस. सॉलिड लिक्विड में एक एक वैल्यू होता. व्हाई गैस, व्हाई क्वेश्चन इज व्हाई गैस पोजेसेस टू वैल्यूज ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज क्यों है? गैस का दो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज क्यों है? भाई लिक्विड सॉलिड का एक एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, गैस का दो क्यों है? तो ये समझने के लिए सबसे पहले गैस किस तरह का स्टेट में रहेगा. सपोज एक गैस हमने लिया, एक सिलेंडर में गैस लिया, ठीक है, अभी यूनिट मास ऑफ द गैस लिया, ठीक है, 1 केजी मास लिया. ओके, अभी इसका टेम्परेचर अगर मुझे 1 डिग्री रेज करना है तो दो तरीके से कर सकते हैं. एक तरीका ये हुआ कि मैं पिस्टन का जो मूवमेंट है ना ये नहीं होने दूंगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे टेम्परेचर रेज करूंगा. मतलब पिस्टन को सपोज मैंने इधर क्लैंप कर दिया कि पिस्टन आगे ऊपर नीचे जाएगा नहीं. ओके, तो मैं हीट सप्लाई करूंगा इसमें, तब तक हीट सप्लाई करूंगा जब तक मैं इसका टेम्परेचर 1 डिग्री ना बढ़ जाए, ठीक है. तो कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट सप्लाई किया, तो जो भी मैं हीट सप्लाई करूंगा पूरा के पूरा हीट किस काम पे आएगा? टेम्परेचर राइज करने के काम पे आएगा, ठीक है. एक तो हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम पे मैं टेम्परेचर रेज कर सकता हूँ. दूसरा क्या है कि सपोज मैंने गैस को क्लैंप नहीं किया, ये जो पिस्टन है पिस्टन को क्लैंप नहीं किया,
और पिस्टन कैन ऑल्सो मूव, क्योंकि जैसे मैं हीट दूंगा गैस का एक्सपेंशन होगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा, तो पिस्टन क्या होगा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। तो जब मैं हीट दूंगा गैस में टेम्परेचर रेज करने के लिए, पार्ट ऑफ द हीट विल बी यूज्ड फॉर एक्सपेंशन एंड पार्ट ऑफ दैट हीट विल बी यूज्ड फॉर चेंजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। तो अभी बोलो यहाँ पर अगर मुझे एक डिग्री बढ़ाना है, इसमें क्या कॉन्स्टेंट है, प्रेशर कॉन्स्टेंट है, मतलब प्रेशर इसलिए कॉन्स्टेंट है क्योंकि पिस्टन के ऊपर कुछ डाल नहीं रहा हूँ मैं, ठीक है, पिस्टन में प्रेशर फिक्स्ड है, क्लियर है। तो इसमें ज्यादा हीट लगेगा एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, या इसमें हीट ज्यादा लगेगा, इसमें क्या हो रहा, मैं जब हीट दे रहा हूँ क्या हो रहा है इसमें, इसमें प्रेशर लाइक कॉन्स्टेंट है, प्रेशर कॉन्स्टेंट है बट वॉल्यूम बढ़ रहा है और टेम्परेचर बढ़ रहा है, और इसमें क्या हो रहा है जब मैं हीट दे रहा हूँ तो क्या बढ़ रहा है, ओनली टेम्परेचर बढ़ रहा है, वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा। तो अभी बोलो किसमें ज्यादा हीट देना पड़ेगा मुझे टेम्परेचर रेज करने के लिए, किसमें ज्यादा हीट देना पड़ेगा, अच्छा पूरा के पूरा हीट इसमें किसके लिए यूज होगा, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, और यहाँ पर क्या होगा इस पे, किसमें द सेकंड वन वेयर दोनों लाइक बढ़ा है, वॉल्यूम भी बढ़ा है और टेम्परेचर, क्यों, क्योंकि उसमें वॉल्यूम बढ़ाने के लिए भी यूज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए भी यूज हो रहा है। ओके, सो इट मींस दैट जब भी मैं हीट दूंगा पूरा के पूरा हीट मेरा यूज नहीं होगा उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, पार्ट ऑफ हीट विल बी यूज्ड टू इंक्रीज द वॉल्यूम, करेक्ट। सो इसके लिए गैस का दो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, क्यों, बिकॉज गैस का टेम्परेचर दो तरीके से बढ़ाया जा सकता है, एक कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे आई कैन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ गैस, और एक हुआ कि कॉन्स्टेंट प्रेशर में, कॉन्स्टेंट प्रेशर में दो तरीके से बढ़ाया जा सकता है। कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में जब मैं हीट दूंगा तो पूरा के पूरा हीट टेम्परेचर बढ़ाने का ही काम पे आएगा और कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सी वी, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस व्हेन द वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट प्रेशर में जब मैं हीट देता हूँ तो पार्ट ऑफ द सप्लाइड हीट इज यूज टू इंक्रीज द वॉल्यूम एंड पार्ट ऑफ हीट इज यूज टू इंक्रीज द टेम्परेचर, ओके। सो इसको हम क्या बोलते हैं, सीपी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ये क्लियर हुआ, गैस का दो स्पेसिफिक हीट क्यों होता है, क्योंकि गैस का वन डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे जितना हीट लगता है कॉन्स्टेंट प्रेशर में अलग हीट लगता है, डिफरेंट हीट लगता है, करेक्ट। सॉलिड लिक्विड में क्यों एक एक होता है, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड का जो वॉल्यूम दैट इज नॉट, उसका जो टेम्परेचर इंक्रीज है ना वो प्रेशर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, करेक्ट ना, सॉलिड का और लिक्विड का। इसके लिए सॉलिड एंड लिक्विड पोजेस ओनली वन वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, व्हेयर गैस पोजेसेस टू वैल्यूज ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, क्लियर हुआ। एंड व्हिच वन इज ग्रेटर, सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो क्या लॉजिक हुआ, क्या आंसर है, क्योंकि एट कॉन्स्टेंट प्रेशर the amount of heat required is partially used for volume expansion and other part is used for temperature, hence more heat is required, ठीक है। Now second question है कि भाई CP और CV में क्या relation है, what is the relation between CP and CV, okay, which one is greater, ये तो पता चल गया कि CP is greater than CV, now the question is what is the relation between specific heat capacity at constant pressure and specific heat capacity at constant volume. So relation, now we will try to find out what is the relation between CP, अच्छा I'm writing a capital letter, okay, capital में जब CP लिखा जाता है ना उसको molar specific heat capacity कहा जाता है, so now we are discussing CP and CV ना, जब unit mass 1 kg ले दो, 1 kg mass का जब हम बढ़ाते हैं तो उसको कहा जाता है नॉर्मल स्पेसिफिक कैपेसिटी,
बट अगर हम ऐसे लिखते हैं Cp, तो इसको क्या कहा जाता है, मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। व्हाट इज मोलर, इंस्टेड ऑफ 1 kg, 1 kg mole अगर तुम ले लेते हो, ठीक है, व्हाट इज 1 kg mole, द मॉलिक्यूलर वेट एक्सप्रेस्ड इन केजी इज देन कॉल्ड केजी मोल, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मोल, ठीक है। तो जैसे सपोज तुम कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, तो व्हाट इज 1 kg कार्बन डाइऑक्साइड, यू अंडरस्टैंड, व्हाट इज 1 kg mole कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन का कितना होता है मास 14, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 × 2, तो 16 × 32 + 14 कितना हो गया 46, करेक्ट, तो 46, तो 46 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 1 gram mole कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो उसका 1 degree बढ़ाने के लिए जो भी लगेगा दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट प्रेशर में बढ़ाएंगे तो क्या कहा जाएगा, स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर ग्राम में ना एक्सप्रेस करके हम एसआई सिस्टम में लेते हैं, केजी में एक्सप्रेस करते हैं, तो क्या हो जाएगा 46 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स 1 kg mole कार्बन डाइऑक्साइड। उसका टेम्परेचर 1 degree बढ़ाने के लिए कांस्टेंट प्रेशर में जो हीट लगेगा उसको सीपी कहा जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम में जो लगेगा उसको सीपी कहा जाएगा। सो नाउ दिस इज क्लियर कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, करेक्ट, ओके। सो इंस्टेड ऑफ केजी वी टेक द 1 kg mole लिया जाएगा, तो विल कंसीडर इट एज मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी। तो हम अभी निकालेंगे कि रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, ओके। तो इसको समझने के लिए लेट अस टेक ए सिलेंडर पिस्टन सिस्टम, ठीक है, एक सिलेंडर में एक गैस लिया गया एंड इट इज एनक्लोज इन ए पिस्टन, ठीक है, एम मास ऑफ द गैस एक सिलेंडर में लिया गया, ओके। तो मैं अगर इसमें हीट सप्लाई किया, डेल्टा क्यू इज द हीट सप्लाइड, अगर क्यू हीट सप्लाई किया या सपोज क्यू इज द हीट सप्लाइड, तो क्या होने वाला है, इसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा और इसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ओके, ठीक है। सो ये पिस्टन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ना, पिस्टन विल शिफ्ट हियर, ठीक है। सो मान लो ए से बी में शिफ्ट हो गया, कितना शिफ्ट हो गया, सपोज डेल्टा एक्स, सपोज पी इज द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द पिस्टन, ठीक है, इज द प्रेशर एंड द एरिया ऑफ दिस पिस्टन, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस पिस्टन, एंटायर एरिया इज सपोज अल्फा, ठीक है, अल्फा इज द एरिया। तो जो वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है तो वर्क डन होता है, वर्क डन कौन वर्क करेगा, गैस, गैस पिस्टन को पुश करेगा ऊपर, ठीक है। पूरा सिस्टम को अगर मैं एक तरह से देखता हूं इस तरह से कि हीट दिया, टेम्परेचर भी रेज हुआ और वॉल्यूम भी एक्सपेंशन हुआ, एक्चुअली हो क्या रहा, मैं प्रेशर तो चेंज नहीं कर रहा हूँ, प्रेशर तो सेम है, कॉन्स्टेंट प्रेशर में इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, कॉन्स्टेंट प्रेशर में टेम्परेचर बढ़ रहा है इस केस में, करेक्ट, ओके। सो जो हीट मैंने दिया क्यू, इस हीट से क्या हो गया, मास ऑफ द गैस सपोज 1 ले लिया, यूनिट मास ऑफ द गैस ले लिया, इनटू स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि प्रेशर चेंज नहीं हुआ, इनटू द चेंज इन टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, करेक्ट, सपोज इसका टेम्परेचर dT टेम्परेचर चेंज हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी इसको मैं दो स्टेप में सोचता हूँ, पहले ये सोचता हूँ कि चलो Q का दो हिस्सा है, एक हिस्सा से उसका टेम्परेचर बढ़ रहा, दूसरा हिस्सा से उसका वॉल्यूम बढ़ रहा, ठीक है। तो Q, सपोज Q का दो पार्ट है,
एक Q1 है, एक Q2 है. Q1 से क्या हो रहा, वॉल्यूम फिक्स है, टेम्परेचर बढ़ रहा, ठीक है. एंड Q2 से क्या हो रहा, टेम्परेचर फिक्स हो के फिर वॉल्यूम बढ़ रहा, ऐसा भी हम इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है. सो लेट अस थिंक कि फर्स्ट कांस्टेंट वॉल्यूम में टेम्परेचर बढ़ रहा, उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, Q1. फिर टेम्परेचर फिक्स है, फिर अभी वॉल्यूम बढ़ रहा, Q2. ओके, सो Q1 इज द हीट विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ओके, एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो मास ऑफ द गैस 1 है. अभी कांस्टेंट वॉल्यूम में जब हीट टेम्परेचर रेज कर रहा, तो उसको क्या कहा जाता है, उसका गैस का स्पेसिफिक कैपेसिटी को क्या कहा जाएगा, सी भी, कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर, डी टी, ठीक है. फिर Q2 से क्या हो रहा, अभी मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, अभी वॉल्यूम बढ़ रहा. वॉल्यूम मतलब बढ़ रहा, वॉल्यूम बढ़ने का मतलब देखो, मतलब ये गैस पिस्टन को ऊपर की तरफ पुश कर रहा, ठीक है. तो कितना फोर्स है गैस के ऊपर, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया. कितना है प्रेशर इनटू एरिया, इतना पिस्टन जो है इतना फोर्स लगा रहा, उसके अगेंस्ट में वर्क डन हो रहा, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज द वर्क डन. वर्क डन मतलब द एनर्जी यूज्ड अप, ठीक है. तो कितना वर्क डन, इतना हो गया फोर्स इनटू द डिस्टेंस dx. दिस इज द वर्क डन बाय द गैस इन पुशिंग द पिस्टन अप, ठीक है. एंड दिस वर्क डन, ये वर्क हो कैसे रहा, बाय दिस Q2 एनर्जी. Q2 जो हीट सप्लाई किया, उसमें से Q2 एनर्जी को ऑब्जर्व करके ये पिस्टन ऊपर गया, करेक्ट. दिस वन, ओके. तो Q1 Q2 क्या है, Q1 Q2 इज नथिंग बट टोटल कितना हो गया, CV dt प्लस P इंटू अल्फा, ओके, इंटू dx. अभी अल्फा इंटू dx जो है ना, ये सिलेंडर है, तो बेस एरिया इंटू हाइट इज इक्वल टू द वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम, करेक्ट. दिस इज द वॉल्यूम इंक्रीज्ड, सिलेंडर के एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर h, पाई आर स्क्वायर क्या एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, तो एरिया हो गया अल्फा इंटू हाइट, करेक्ट. सो अभी क्या हो गया, दिस अल्फा इंटू dx इज नथिंग बट द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस, p इंटू dv. अल्फा dx को क्या मान लिया मैंने, दिस इज द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस, करेक्ट. सो दिस इज द हीट सप्लाइड Q. Q इज व्हाट, टोटल हीट सप्लाइड, दिस इज नथिंग बट Q1 प्लस Q2. Q के जगह पे तुम पुट कर दो Cp इंटू dt इक्वल टू Q1, Q1 Cp dt प्लस P dv. बस इससे हमारा ये रिलेशन निकल जाएगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv. कैसे करेंगे इसको, देखो Cv को इधर लाओ, Cp माइनस Cv इंटू dt, dt कॉमन आ गया, इस P dv, करेक्ट. सो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू P dv बाय dt, इधर आ जाएगा. सो दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है. अच्छा, गैस इक्वेशन किस तरह से रिलेटेड है, Pv इक्वल टू nRT, नंबर ऑफ मोल्स, तो 1 मोल लिया हमने nR इंटू T, ठीक है. इसको अगर मैं एक्सपेंड करूंगा कांस्टेंट प्रेशर में, तो Pdv प्लस Vdp, U इंटू V फॉर्मेट में मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ. तो जब दो वेरिएबल मल्टीप्लाइड होके है, तो उसका U इंटू V का कैसे होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन V इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट. तो प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो dP कितना हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, करेक्ट, इक्वल टू R. टेम्परेचर चेंज हो रहा, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसका तो डिफरेंशिएशन होने वाला नहीं है, तो किसका डिफरेंशिएशन होगा, dT, टेम्परेचर का dT होगा. सो Pdv इक्वल टू आर dT, तो dT को इधर लेके आओ, Pdv बाई dT इक्वल टू आर,
सो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं क्या Cp माइनस Cv इक्वल टू 1. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. कौन ज्यादा है देखने से लगता है कि R का R तो पॉजिटिव क्वांटिटी है मोर देन 1 है तो Cp इज ग्रेटर देन Cv इससे भी पता चलता है करेक्ट ना. सो रिमेम्बर दिस इज द रिलेशन बिटवीन Cp माइनस Cv इक्वल टू R. R is universal gas constant. This is the relation between specific capacity at constant pressure and specific capacity at constant volume. ठीक है? अच्छा, unit of heat is in SI system. Unit of heat is joule. Unit of heat is joule. Okay. In FPS system, unit of heat is British thermal unit. And normally the unit of heat is taken as calorie. So 1 calorie is equal to 4.2, approximately 4.2 joule. Now we will see what is latent heat. Then we will come how to measure the heat. So what is latent heat? Latent heat means the hidden heat. The heat which is released or which is absorbed to change the state, okay, at constant temperature. So suppose tumhare paas ice hai, ice cube hai, to ice cube ko tum agar isko agar garam karoge to ice ka temperature 0 degree celsius hai, isme agar heat doge to ye kya karega, water mein convert ho jayega. Still iska temperature 0 degree hai. तो मैं जो हीट दिया ये कहाँ गया मेरा. दिस हीट इज यूज्ड अप टू चेंज द स्टेट ऑफ आइस. ठीक है, तो ये जो है दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट. ओके, मेल्टिंग पॉइंट पे सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, इसके लिए जो हीट गेन किया है ना, इसको क्या कहा जाएगा, लैटेंट हीट. रिवर्स सोचो, तुम्हारे पास वाटर है, अभी वाटर कुछ हीट रिलीज कर दिया और वो आइस में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, तो जितना हीट वाटर रिलीज करके आइस में कन्वर्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे ही, उसको क्या कहा जाएगा, लैटेंट हीट. सिमिलरली वाटर को तुम गर्म करते करते 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके आया, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट तक लेके आया. अभी 100 डिग्री सेल्सियस में इस वाटर को तुम गर्म कर रहे हो, बस उसका टेम्परेचर रेज नहीं हो रहा, क्योंकि दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट. ओके, अभी क्या हो रहा है, जो भी तुम हीट दे रहे हो पूरा के पूरा हीट किसके लिए यूज हो रहा है, स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए यूज हो रहा है. ठीक है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर में मतलब बॉइलिंग पॉइंट पे जब उसका स्टेट को लिक्विड से गैसियस स्टेट में, वेपर स्टेट में मैं चेंज करने जा रहा हूँ, तो जितना हीट मुझे देना पड़ रहा उस हीट को क्या कहा जाएगा, लैटेंट हीट. सिमिलरली अगर तुम्हारे पास स्टीम है, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये कंडेंस होके वाटर में कन्वर्ट हुआ, वाटर ड्रॉपलेट्स बन गया, इसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो जितनी हीट छोड़ के वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, उस हीट को क्या कहा जाएगा, दैट इज कॉल्ड लैटेंट हीट. तो लैटेंट हीट एक बार हुआ कि आइस से वाटर हुआ, फिर वाटर से स्टीम हुआ, फिर स्टीम से वाटर हुआ, फिर वाटर से आइस हुआ. जब भी चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है उस समय कांस्टेंट टेम्परेचर में स्टेट चेंज करने के लिए जो भी हीट रिलीज होता है या जो भी हीट उसको देने पड़ता है, उस हीट को क्या कहा जाएगा, लैटेंट हीट. तो इसको क्या कहा जाएगा, लैटेंट हीट कैपेसिटी ऑफ फ्यूजन. ओके, और मतलब आइस से जब वाटर होता है, सेम अमाउंट होगा अगर वाटर से आइस होगा, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, ओके, व्हेन यूनिट मास ऑफ वाटर कन्वर्टेड टू यूनिट मास ऑफ आइस, ओके, एट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट. तो इसको क्या हो जाएगा, लैटेंट हीट कैपेसिटी ऑफ फ्रीजिंग. ठीक है, सिमिलरली जब वाटर को मैं स्टीम में कन्वर्ट किया गया
किया तो उसको क्या कहा जाएगा, लेटेंट कैपेसिटी ऑफ वेपराइजेशन एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ वाटर टू स्टीम एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट एट 100 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड लेटेंट हीट कैपेसिटी ऑफ वेपराइजेशन। सिमिलरली अगर 100 डिग्री सेल्सियस में स्टीम है और वाटर में कन्वर्ट हो गया, सो द अमाउंट ऑफ इट रिलीज्ड व्हेन यूनिट मास ऑफ स्टीम इज कन्वर्टेड टू वाटर एट इट्स कंडेंसेशन पॉइंट, ओके, इज कॉल्ड लेटेंट हीट कैपेसिटी ऑफ कंडेंसेशन, ओके। सो व्हाट इज द हीट रिक्वायर्ड, सपोज m मास ऑफ द सब्सटेंस है तो इसका स्टेट चेंज करने के लिए वो कितना हीट यूज करेगा, इनटू l, m इनटू l, l इज व्हाट, लैटेंट हीट। तो जब कोई भी मास, ओके, नॉट ओनली वाटर, सपोज तुमने कोई मेटल पीस भी लिया, उसके उसको उसका स्टेट चेंज हो रहा, मतलब सॉलिड से लिक्विड हो रहा, ठीक है, तो m मास ऑफ सब्सटेंस को अगर सॉलिड से लिक्विड करना है कितना हीट लगेगा, m into l, what is l, l is the latent heat capacity, तो latent heat capacity का unit क्या होगा, joule per kg, correct ना, so amount of heat required to change its state at constant temperature, ठीक है। ये कैसे समझते हैं कि जब भी हम temperature raise करते हैं, state change होते समय वो जो heat लगता है वो heat से केवल state में change होता है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर में होता है। सिमिलरली 100 डिग्री तक वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, वाटर इज इजिएस्ट एग्जाम्पल इसलिए मैं वाटर से बोल रहा हूँ, फिर 100 डिग्री के बाद जो भी हम हीट देंगे उससे क्या होगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, बट वो हीट किस लिए यूज हो रहा, उसको स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, तो जो हीट लगेगा उसको क्या कहा जाएगा, लैटेंट हीट कैपेसिटी ऑफ वेपराइजेशन, क्लियर है, ओके। सो हमने अभी एक पढ़ा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एक पड़ा लैटेंट हीट कैपेसिटी। सो कोई भी सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर मान लो थीटा 1 डिग्री है, उसको थीटा 2 डिग्री में कन्वर्ट करना है, अगर m मास है, s स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, तो कितना हीट लगेगा, m इंटू s इंटू फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है, जो बड़ा होगा उससे छोटा को माइनस कर दो, सो दिस इज द हीट रिक्वायर्ड, ठीक है, मास ऑफ द सब्सटेंस स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस इनटू द चेंज इन टेंपरेचर, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। नाउ कैलोरीमेट्री में सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ हीट है ना, तो इसको तुमको समझना पड़ेगा, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ये कहता है कि अगर कोई बॉडी हीट गेन कर रहा तो कोई बॉडी हीट लूज जरूर कर रहा होगा, सो दिस इज द हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन्ड, ये है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, जितना हीट लॉस होगा उतना हीट गेन करेगा, ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ठीक है। इस प्रिंसिपल के ऊपर हम किस तरह से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालते हैं उसका एक दो एग्जांपल लेते हैं, ओके। सो लेट अस सपोज मेरे पास एक सॉलिड दिया हुआ है, एक सॉलिड का आयरन का एक बॉल है, और पूछा कि भाई इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल के बताओ क्या है, तो क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं, इसको स्टीम चेंबर में, स्टीम चेंबर क्या है, जिसमें इसको गर्म किया जा रहा है, ठीक है, दिस इज स्टीम चेंबर, ये जो सॉलिड है इसको मैं स्टीम चेंबर में रख दिया, दिस इज स्टीम चेंबर, ठीक है, और इसका टेम्परेचर हम देख लिया कि कितना डिग्री टेम्परेचर है, थर्मोमीटर लगा के इसका टेम्परेचर देखा, सपोज ये है थीटा 2 डिग्री सेल्सियस, थर्मोमीटर का रीडिंग है, ठीक है।
अभी हम क्या करेंगे, कैलोरीमीटर लेंगे, उसको क्लीन करके ड्राई करके उसमें वाटर भर के, ठीक है। सो उस वाटर में कैलोरीमीटर को क्या करेंगे, कैलोरीमीटर क्या है, एक बीकर लाइक कॉपर का ग्लास टाइप का है, उसमें एक स्टेयरर रहता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा वाटर ले लिया। अभी इसके जो स्टीम चेंबर का लीड है इसको हटा के ये इसको थोड़ा नीचे करके कैलोरीमीटर में डुबो देंगे। किसको, जिस मेटल का मुझे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालना है। तो इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल मास ऑफ वाटर, इनिशियल मास ऑफ कैलोरीमीटर सब पहले मेजर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो सॉलिड लिक्विड में वाटर में ड्रॉप हुआ उसके बाद क्या हो जाएगा, वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा? अगर अगर वाटर में वाटर एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री में है तो उसमें अगर मैं स्टीम में गर्म होता हुआ एक सॉलिड को उसमें डुबो दूंगा तो क्या हो जाएगा, वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना, बढ़ेगा। ओके, सो वाटर का टेम्परेचर विल राइज। तो कितना टेम्परेचर राइज हो गया, सो इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर सपोज थीटा था, तो अभी इसका टेम्परेचर हो गया थीटा वन, ये भी मेजर करना पड़ेगा, ठीक है। तो नाउ लेट अस सी व्हाट विल हैपन, हाउ टू कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दिस सॉलिड। तो चलो हम मान लेते हैं कि मास ऑफ कैलोरीमीटर इज एम वन, मास ऑफ वाटर इज एम टू, मास ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर इज एम, ठीक है। तीनों का मास निकल सकते हैं पहले। अच्छा, दिस इज मास ऑफ, मास ऑफ वाटर कैलोरीमीटर एंड द सॉलिड, ठीक है। अच्छा, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर S1, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ द कॉपर कैलोरीमीटर इज S2, एंड स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड इज S, जो कि निकालना है, ठीक है। सो दिस वी हैव टू फाइंड आउट स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, ये निकालना है, ठीक है। S1 क्या है, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ वाटर कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर मतलब कॉपर का बना हुआ है तो कॉपर का जो भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो ले लो। S क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड, है ना, सॉलिड इसका निकालना है, ये निकालना है। अच्छा, तो जब हम इसको, जब हम ये इसका टेम्परेचर थीटा टू था, ठीक है, इसको जब हम वाटर के ऊपर डुबो देंगे तो कितना हीट लॉस करेगा ये सॉलिड, कितना हीट लॉस करेगा? सो हीट लॉस इक्वल टू कितना होगा, बोलो, हीट लॉस इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ द सॉलिड, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड S इनटू चेंज इन टेम्परेचर, कितना था पहले थीटा टू, अभी फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, थीटा वन, कौन ज्यादा था, थीटा टू ज्यादा था, थीटा टू माइनस थीटा वन, थीटा टू माइनस थीटा वन, दिस इज व्हाट द हीट लॉस्ट बाय द सॉलिड। नाउ हीट गेन्ड, कौन कौन हीट गेन करेगा इसमें, वाटर भी हीट गेन करेगा एंड कैलोरीमीटर भी हीट गेन करेगा, ओके। सो हीट गेन बाय वाटर, चलो पहले हीट गेन बाय वाटर देखता हूँ, by water कितना हीट गेन करेगा, मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इनटू चेंज इन टेंपरेचर। तो इनिशियल टेंपरेचर था थीटा, व्हिच इज रूम टेंपरेचर ऑलमोस्ट 25 डिग्री सेल्सियस, थीटा से थीटा वन हो गया, तो थीटा वन माइनस थीटा, थीटा बिकॉज़ थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा, थीटा वन माइनस थीटा, गुड। तो एक तो वाटर हीट गेन करेगा, और कौन हीट गेन करेगा, कैलोरीमीटर। So what will be the heat gain by the calorimeter? बोलो। Mass of the heat gain by calorimeter कितना होगा? Mass of calorimeter, specific heat capacity of calorimeter,
इनटू चेंज इन टेम्परेचर, तो कैलोरीमीटर का भी उतना ही टेम्परेचर चेंज हुआ जितना कि वाटर का हुआ. थीटा 1 माइनस थीटा 1. नाउ वी विल अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री? हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन. ठीक है, तो हीट लॉस्ट इतना हो गया, हीट गेन इतना हो गया, ये दोनों मिला के वाटर भी हीट गेन किया, ये भी हीट गेन किया. सो नाउ वी विल अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. क्या है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री? हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन, इक्वल टू हीट गेन. हीट गेन, हीट लॉस्ट कितना हो गया? ms थीटा 2 माइनस थीटा 1. थीटा 2 माइनस थीटा 1. हीट गेन मतलब दोनों ने हीट गेन किया, m1 s1 m2 s2 ये कॉमन ले लो, इट विल बिकम m1 s1 प्लस m2 s2 एंड थीटा 1 माइनस थीटा. हमको निकालना क्या था? s, ये नहीं पता है. ओके, सो s विल बी हाउ मच? m1 s1 प्लस m2 s2 थीटा 1 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय m into theta 2 minus theta 1. This is how you can determine the specific heat capacity of the solid. Solid, but this is called method of mixture. ठीक है, कल इसमें कुछ जब practical करोगे, ये शायद practical में भी कराया जाएगा, तो ये सब देखना है कि ये steam chamber में एक particular temperature में इसमें droplets नहीं होना चाहिए, steam का condensation नहीं होना चाहिए. सेकेंड है कि ये वुडन बॉक्स के अंदर रहता है, नहीं तो हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन तभी होगा जब सराउंडिंग में हीट का डिसिपेशन नहीं होगा. ओके, हीट फ्लोज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन आल्सो, तो वो सब देखना पड़ेगा. और स्पिल ओवर नहीं होना चाहिए, जब इसको नीचे डुबाया तो वाटर का ड्रॉपलेट्स बाहर नहीं आना चाहिए. ठीक है, नहीं तो मास चेंज हो जाएगा. क्लियर? सो दिस इज हाउ वेरी इजीली वी कैन डिटरमाइन the specific heat capacity of a solid using the method of mixture. ये heat loss equal to heat gain, ये सब numericals solve करने के लिए काम आएगा. Now we'll try to find out how to find the latent heat capacity of fusion of ice. मतलब अगर unit mass of the ice convert होके water में convert होगा तो कितना heat उसको चाहिए. ठीक है, कितना हीट देने से आइस वाटर में कन्वर्ट होगा, ये भी प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से. नाउ वी विल डिटरमाइन एक एग्जांपल के थ्रू. तो उसमें मैं क्या करता हूँ, चलो एक कैलोरीमीटर ले लिया, कैलोरीमीटर के साथ स्टीयरर भी है, उसमें वाटर भर दिया. ठीक है, इसका इनिशियल टेम्परेचर एक थर्मोमीटर से मेजर कर लिया, सपोज थीटा. कैलोरीमीटर ढका हुआ है. ओके, नाउ जिस आइस का मुझे निकालना है उस आइस को क्या करूंगा, ब्लॉटिंग पेपर से पहले सोख लूंगा कि उसके ऊपर वाटर नहीं होना चाहिए. उसका मास तो निकल ही जाएगा, क्योंकि मैं जब इसको इसके अंदर डुबो दूंगा आइस को, तो क्या हो जाएगा, स्टीयर कर दूंगा तो आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. और कितना अभी मास हो गया टोटल कैलोरीमीटर वाटर सिस्टम का, उससे पता चल जाएगा कि आइस का मास कितना है, कितना था. ठीक है, तो आइस को जब मैं वाटर में डुबो दूंगा तो इसमें कौन हीट गेन करेगा, कौन हीट लॉस करेगा, बताओ. आइस को जब मैं वाटर में डुबोया तो क्या होगा, रिजल्टिंग टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा, बिकॉज आइस लैटेंट हीट लाइक रिलीज करेगा. तो वाटर के हीट मतलब अगर वाटर में आइस क्यूब डालते हो तो वाटर गर्म हो जाएगा? नहीं, ठंडा हो जाता है. तो फिर क्या होगा, तो फिर टेम्परेचर कम हो जाएगा. तो इसमें कौन हीट लूज करेगा, कौन हीट गेन करेगा? हीट लूज, वाटर हीट लूज करेगा. ओके, एंड गेन कौन करेगा? आइस हीट गेन करेगा, करेक्ट. अच्छा, वाटर के साथ साथ लूज कौन करेगा? कैलोरीमीटर आल्सो लूजेस. तो हम पहले मान लेते हैं कि एम वन S1 mass and specific heat capacity of mass and specific heat capacity of water, capacity of water. ठीक है, ये मानते हैं. M2 S2
मास एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर, ठीक है। सपोज इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द कैलोरीमीटर इज थीटा वन, दिस इज इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड कैलोरीमीटर। इनिशियल वाटर का जितना टेम्परेचर होगा उतना कैलोरीमीटर का भी होगा, ठीक है। सो दिस इज इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर और कैलोरीमीटर, दोनों का एक ही इनिशियल टेम्परेचर होगा, ठीक है। एंड थीटा इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर कैलोरीमीटर आफ्टर आइस इज डिप्ड इनटू इट, ओके। सो दिस इज द फाइनल टेम्परेचर, नाउ अभी बोलो कि इसमें जो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगाऊंगा, क्या है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री? हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन्ड, ठीक है। तो हीट लॉस्ट कौन करेगा? हीट लॉस्ट वाटर एंड कैलोरीमीटर करेगा, ठीक है। तो वाटर कितना हीट लॉस करेगा? मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, मतलब ज्यादा से कम को माइनस करना है। तो पहले ज्यादा टेम्परेचर था थीटा वन, अभी क्या हो गया? आइस डूबने के बाद टेम्परेचर थीटा हो गया, सो इट इज थीटा वन माइनस थीटा, ठीक है। दिस इज हीट लॉस्ट बाय वाटर। हीट लॉस बाय कैलोरीमीटर कितना होगा? मास ऑफ कैलोरीमीटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर एंड चेंज इन टेम्परेचर थीटा वन माइनस थीटा। नाउ हीट गेन्ड, आइस दो बार हीट गेन करेगा, एक बार उसको स्टेट चेंज करने के लिए, क्योंकि पूरा आइस जो है ना मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो सपोज एम मास ऑफ आइस मैंने लिया था, एम इज द मास ऑफ आइस एंड एस इज द लैटेंट हीट कैपेसिटी ऑफ आइस, ठीक है। तो एम मास ऑफ आइस जब वाटर में कन्वर्ट होता है तो कितना हीट गेन करेगा? एम इंटू एल, ठीक है। प्लस यह आइस का टेम्परेचर क्या हो गया? जीरो डिग्री से बढ़ के फाइनल टेम्परेचर तक आ गया, मतलब ये जो आइस से कन्वर्ट होके जो वाटर बना था वो वाटर फिट हीट गेन किया, ठीक है। कितना हीट गेन किया? मास ऑफ वाटर, क्योंकि ये आइस अभी वाटर में कन्वर्ट हो गया तो स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर जो है वो उसमें लगेगा। अभी S1 is the specific capacity of water into final temperature minus initial. तो final temperature कितना हो गया मेरा? Theta. Theta. और initial temperature था zero. Theta minus zero. क्योंकि जब ice water में convert हुआ, ठीक है, तो ice का temperature state change होने के बाद ice का temperature zero था. Zero से final temperature में आया theta. तो इसमें से मुझे L निकालना है. L. latent heat capacity, सब इसको इधर लेके आओ, ठीक है। क्या हो जाएगा? M1 S1 plus M2, ये numerical करते समय ये सब तुम solve कर सकते हो easily। इसके लिए मैं ये दिखा रहा हूँ ऐसे, ये minus हो जाएगा, ये M S theta और इसका M आ जाएगा denominator में, this is equal to L। तो लैटेंट हीट कैपेसिटी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, लैटेंट हीट अगर निकलना है तो ये सब पता है, मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर, कैलोरीमीटर का मास, सभी टेम्परेचर पता है, इनिशियल फाइनल सब पता है, ठीक है। सो यू कैन फाइंड आउट द लैटेंट हीट कैपेसिटी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, ठीक है। अगर मुझे लैटेंट हीट कैपेसिटी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, मतलब वाटर जब स्टीम जब कंडेंस होके वाटर में कन्वर्ट हो जाता उस समय स्टीम कितना हीट रिलीज करता है, ये मुझे निकालना है। क्या करूंगा मैं अभी? हाउ टू डू दैट? दिस इज आल्सो वेरी इजी। स्टीम जब वाटर में कन्वर्ट होता है
तो कितना हीट वो छोड़ेगा, करेक्ट, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो मैं क्या करूंगा, सेम एक कॉपर कैलोरीमीटर ले लूंगा पहले, लेट अस टेक कैलोरीमीटर हियर, कैलोरीमीटर स्टीयरल के साथ रहेगा एंड फिल विद वाटर, डिटेल कितना लेना पड़ेगा, कितना फिल करना पड़ेगा, ओके, सब डिटेल स्टेप्स है, मैं स्लाइड में दिखाऊंगा उसमें। तो अभी जस्ट बेसिक प्रिंसिपल समझो, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए। तो मैं एक कैलोरीमीटर में वाटर भर के उसका इनिशियल टेम्परेचर मेजर करके मैं क्या क्या उसको रखा, सब मेजर करके, और ये कैलोरीमीटर के वुडन बॉक्स के अंदर है ताकि हीट जो है बाहर ना जाए, ठीक है। अभी मुझे स्टीम चेम्बर है, स्टीम चेम्बर क्या होता है, जिसमें एक बॉयलर के थ्रू बॉयलर रहता है इसके अंदर, ठीक है, बॉयलर में वाटर डाल के इसको कंटिन्यूसली गर्म किया जाता है, ठीक है। गर्म करने से क्या होगा, ये स्टीम जनरेट करेगा और स्टीम जनरेट करके इसको हम पास करते हैं स्टीम चेम्बर में, ठीक है। और इसका एक आउटलेट होगा ऐसा, जो स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो जाता है स्टीम चेम्बर, ये दिस इज स्टीम चेम्बर, दिस इज द स्टीम चेम्बर, ठीक है। स्टीम चेम्बर में जो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है वो बाहर निकाल देते हैं हम लोग, उसको टैप से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन इसको हम एक थर्मोमीटर भी रखेंगे यहाँ पर। तो स्टीम चेम्बर में क्या होता है, स्टीम जनरेटेड है, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, ये स्टीम चेम्बर का जो ये है रबर ट्यूब है, इसको मैं वाटर में दे दूंगा और थोड़ा वेट करूंगा, किसके लिए, कि इसका जो वाटर का टेम्परेचर है कम से कम 10 डिग्री बढ़ जाए। तो स्टीम को वाटर में अगर मैं पास करूंगा तो क्या होगा, वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा। तो तब तक मैं स्टीम पास करते रहूंगा जब तक ना वाटर का टेम्परेचर करीब करीब 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ ना जाए, ठीक है। बस उसके बाद जब 10 डिग्री बढ़ गया स्टीम का पाइप को हटा दूंगा और फिर से एक बार कैलोरीमीटर वाटर सिस्टम का मास ले लूंगा, उससे क्या पता चलेगा कितना स्टीम अभी आया, ठीक है। क्योंकि अगर कुछ देर तक मैं स्टीम पास करते रहूंगा तो कुछ तो स्टीम इसमें आ गया होगा, वाटर में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। सो लेट अस सी हाउ टू फाइंड आउट लैटेंट हीट कैपेसिटी ऑफ कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, ठीक है। उतना ही होगा, वेपराइजेशन के लिए वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर से स्टीम करने के लिए जितना हीट लगता है उतना ही हीट छोड़ता है स्टीम से जब वो वाटर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो हम खाली स्टीम पास करके उसका टेम्परेचर मेजर कर लिया, बस दिस इज द एक्सपेरिमेंट। नाउ लेट अस सी हाउ वी कैन फाइंड आउट द लैटेंट हीट। तो इस सिस्टम में बोलो, अगर मैं मान लेता हूं कि M1 S1 एंड M2 S2 ये है क्या है, मास एंड स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। M2 S2 क्या है, मास एंड स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर, ठीक है, कैलोरीमीटर। तो सपोज θ1 डिग्री सेल्सियस इज इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर और कैलोरीमीटर, इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। And θ2 is final temperature, मतलब स्टीम पास करने के बाद, ठीक है, final temperature। m हो गया मास ऑफ स्टीम एंड l है लैटेंट हीट कैपेसिटी ऑफ कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, ओके, दिस इज द लैटेंट हीट कैपेसिटी, लैटेंट हीट कैपेसिटी, ये हमको निकलना है, ठीक है। चलो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या है, हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन, तो हीट लॉस कौन करेगा, वेपर, ओके। सो वी विल अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री एंड इट स्टेट्स दैट हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन, ये क्लियर है। देखो अभी स्टीम, जब स्टीम से जो वाटर बनेगा तो कितना हीट वो लॉस करेगा, m into l, ठीक है,
L L latent heat capacity. M mass of steam converted to water at 100 degree Celsius. The amount of heat released is M into L. फिर यहाँ पर ये रुकेगा नहीं, फिर क्या हो गया, ये जो स्टीम यहाँ पर था वो फिर उसका वो स्टीम क्या करेगा, 100 डिग्री में तो नहीं रहेगा, वाटर का जैसे टेम्परेचर में आ जाएगा, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर अभी क्या हो गया, कम हो गया, है ना। तो एम मास ऑफ स्टीम का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना हो गया, वाटर का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो है, वो अभी 100 डिग्री से फाइनल टेम्परेचर जो है, फाइनल टेम्परेचर कितना है, थीटा टू में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, थीटा टू। सो दिस मच विल बी द हीट लॉस्ट बाय स्टीम कन्वर्टेड वाटर टू अटेन टेम्परेचर 100 टू थीटा डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये दिस इज द टोटल हीट लॉस्ट बाय स्टीम इक्वल टू हीट गेन। इसमें कौन हीट गेन करेगा, कैलोरीमीटर एंड वाटर, दोनों का टेम्परेचर क्या हो गया, थीटा वन से थीटा टू हो गया, सो टोटल हीट गेन बाय एम वन एस वन थीटा टू माइनस थीटा वन इज द हीट गेन बाय वाटर, एंड हीट गेन बाय कैलोरीमीटर इज एम टू एस टू, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया, थीटा टू माइनस थीटा वन, ठीक है। सो हमको निकलना है क्या, लैटेंट हीट एल, एल कितना हो गया, एम वन एस वन प्लस एम टू एस टू थीटा टू माइनस थीटा वन, अच्छा ये इधर जाएगा माइनस एम एस वन, हम ये न्यूमेरिकल करोगे ना सब, ये तुमको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा, इतना फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं है, करेक्ट, दिस स्टेप्स यू हैव टू फॉलो। तो कभी भी लैटेंट हीट कैपेसिटी निकालना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालना है, तुमको क्या पहले क्या देखना पड़ेगा कि हीट लॉस्ट कैसे हो रहा, क्या स्टेट चेंज के लिए हीट लॉस हो रहा है, तो एम इंटू एल होगा, क्या टेम्परेचर राइज करने के लिए हीट गेन हो रहा है, ये हीट लॉस हो रहा, तो एम इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर, क्लियर है, ओके। नाउ जैसे हमने अभी दो टर्म और हम डिस्कस करेंगे, दैट इज वन इज कॉल्ड द वाटर इक्विवेलेंट एंड दैट इज थर्मल कैपेसिटी। सो व्हाट इज थर्मल कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी एंड वाटर इक्विवेलेंट, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टू टर्म। देखो अगर एम मास ऑफ द सब्सटेंस है जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है एस, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर एक डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट लगता है ना उसको क्या कहा जाता है, उसका थर्मल कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस का एक डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट लगता है उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहा जाता है। और थर्मल कैपेसिटी क्या है, एम मास ऑफ वाटर का टेम्परेचर, है ना, थर्मल कैपेसिटी इज दिस एम इंटू एस, ठीक है। तो अगर स्पेसिफिक कैपेसिटी एस है और टेम्परेचर मान लो डेल्टा थीटा रेज किया, सो दिस इज द हीट ना, ये स्पेसिफिक हीट का रिलेशनशिप है, करेक्ट, तो एम एस कितना हो गया, एच बाय डेल्टा थीटा, मतलब हीट रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय द चेंज इन टेम्परेचर, इस तरह से भी बोल सकते हैं थर्मल कैपेसिटी। नाउ व्हाट इज वाटर इक्विवेलेंट, वाटर इक्विवेलेंट क्या है, वाटर इक्विवेलेंट सपोज तुम्हारे पास कोई सब्सटेंस है, कोई मटेरियल है, इस मटेरियल का मास है एम, ठीक है, अच्छा इसका स्पेसिफिक कैपेसिटी है एस, इसका टेम्परेचर बढ़ाया सपोज तुमने थीटा वन से थीटा टू कर दिया, तो कुछ तो हीट देना पड़ा इसको, एच इज द हीट सप्लाइड, तो इस मास का एम मास का जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस है, इसको हीट एच सप्लाई करने से इसका टेम्परेचर कितना हो गया, थीटा वन से थीटा टू डिग्री बढ़ गया, ठीक है।
अभी कितना मास ऑफ वाटर का टेम्परेचर इतना ही बढ़ेगा अगर एच हीट सप्लाई करूंगा मैं, समझ गया? उस मास ऑफ वाटर को क्या कहा जाएगा? वाटर इक्विवेलेंट। मतलब सेम हीट देने से सेम टेम्परेचर रेज होगा, कितनी मास ऑफ वाटर का, दैट इज कॉल्ड द वाटर इक्विवेलेंट। ठीक है, सो लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव डन टुडे। So we studied about, our topic of discussion was calorimetry, specific heat capacity, determination of specific heat capacity, latent heat, specific capacity of gases, and adiabatic transformation. We missed this topic, we will continue with that, okay? Adiabatic transformation. So calorimetry deals with the measurement of heat, okay? So we find that when 1 gram of mass का, अगर 1 gram water का temperature अगर 10 degree से 11 degree करोगे ना, तो heat Q1 supply करने पड़ता है, 37 से 38 Q2 करने पड़ता है, 69 से 70, तो 1 degree raise करने के लिए same temperature, same mass of water 1 gram, अलग अलग heat supply करने पड़ रहा, all the heats are not same, ठीक है? इसके लिए हमको ये मीन एक एक टेम्परेचर स्पेसिफिक टेम्परेचर माना, वाई 14.5 टू 16.5 15.5, ठीक है? इसलिए क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर कितना से कितना टेम्परेचर बढ़ा रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है हीट, ओके? इसलिए हमने स्पेसिफिक कैपेसिटी 1 कैलोरी डिफाइन करना पड़ता है ना। सो 1 कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द 1 ग्राम ऑफ मास फ्रॉम 14.5 टू 15.5, ठीक है? तो 1 से 100 डिग्री तक करो, जितना हीट लगा उसके 100 से डिवाइड करो, तो 1 mean centigrade कैलोरी आता है, विच इज 1.012, ओके? एपीएस सिस्टम ऑफ दिस यूनिट ऑफ हीट इज ब्रिटिश थर्मल यूनिट, एसआई सिस्टम इज जूल, एंड 1 जूल इज 4.1 कैलोरी इज 4.2 जूल, ओके? नाउ ये हमने समझा अभी कि हायर इज द मास हायर विल बी द हीट रिक्वायर्ड, हायर इज द टेम्परेचर राइज हायर विल बी द हीट रिक्वायर्ड, सो एच इज प्रोपोर्शनल टू एम इन टू टी, टी इज द टेम्परेचर, सो एच इज इक्वल टू एम एस टी, एस इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है? चलो इसका यूनिट डायमेंशन सब निकाल सकते हैं इसमें, करेक्ट? अच्छा, 1 कैलोरी इज 4.2 जूल, इससे हमको ये भी मिल गया। सो एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ सॉलिड बाय द मेथड ऑफ मिक्सचर, ये हमने एक्सप्लेन किया किस तरह से स्टीम चेंबर में सॉलिड बॉल को रख के कैलोरीमीटर में डुबोने के बाद फाइनल मास फाइनल टेम्परेचर निकल के हम ये निकल सकते हैं, ठीक है? दिस वी हैव अंडरस्टूड। सिमिलरली एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ ए लिक्विड, अगर मान लो कि जो अननोन लिक्विड है ग्लिसरीन दे दिया अल्कोहल दे दिया उसका निकालना है, तो सॉलिड नोन होना चाहिए सॉलिड का स्पेसिफिक कैपेसिटी, तो सेम फॉर्मूला यूज करके मैं जो लिक्विड था उसका भी हम निकाल सकते हैं, सेम फॉर्मूला, ठीक है? नाउ देयर इज अ मेथड कॉल्ड इलेक्ट्रिकल मेथड, दैट इज द थ्रू रेजिस्टेंस, हम जैसे एक कॉयल के थ्रू अगर मैं कॉयल को कॉयल में करंट पास करूंगा तो कॉयल गर्म हो जाएगा, है ना? उससे भी हम निकल सकते हैं स्पेसिफिक कैपेसिटी, कॉइल में कितना हीट देना पड़ा वो सब कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं। इससे मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, वर्क इज कन्वर्टेड टू हीट, है ना, उससे एक जे बोल के पैरामीटर आता है, वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर, तो वो भी निकाला जा सकता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो दिस इज यू कैन सी इट, बट ओनली फॉर द सेक ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्विंग यू कैन स्टडी दिस इज हाउ। तो हीट सप्लाइड by the coil is equal to I current into potential difference into the time, I square RT heat produced by the coil, या IVT जो भी है, इससे हम principle of calorimetry use करते हैं। latent heat के बारे में पढ़ा हमने, correct? कि temperature raise करते करते एक particular degree Celsius में जो भी heat देता है वो state change में काम होता है, okay? So latent heat we understood. Depending on the nature of change, we can define latent heat capacity of solidification, fusion, freezing, जो भी है, evaporation, condensation, जो अलग अलग नाम दे दिया इसमें, हाँ ये भी निकल सकते हैं। फिर हमने capacity of fusion of ice निकाला, ठीक है?
एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन और रिटेंटिव कैपेसिटी ऑफ कंडेंसेशन ऑफ स्टीम भी हम निकाल सकते हैं. फिर हमने व्हाई गैस पोजेसेस टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो भी एक्सप्लेन किया. ठीक है, फिर हमने एनालिसिस किया सीपीसीबी का. फिर मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी आया, उसको किसे कहा जाए, कैपिटल सीबी, कैपिटल सीपी से डिनोट किया जाता है. वो क्या होता है, इंस्टेड ऑफ 1 kg अगर 1 kg मोल ऑफ द गैस कंसिडर करो जो भी हीट लगेगा, है ना, 1 degree रेज करने के लिए यूनिट मास का, तो वो हो जाएगा मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी. तो ये लिखा जा सकता है कि सी वी इज एम इंटू सी वी, एम इज मोलिकुलर वेट. ओके, चलो सी पी सी वी में से कौन ज़्यादा है, सी पी ज़्यादा है क्योंकि कॉन्स्टेंट प्रेशर में वॉल्यूम भी बढ़ता है, बराबर. ठीक है, रिलेशन कैसा है, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू वर्क, ये रिलेशन बार बार पूछा जाता है और बोर्ड एग्जाम में ये काम में आएगा. ओके ओके, सो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, बट इसको हम अगर मोल एक के जी ना लेके अगर एम के जी मोल ले, एम के जी ले लिया, एम इज द मॉलिकुलर वेट, तो जो हीट लगेगा उसको एम इंटू सी पी कहा जाएगा. सो मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी सी पी इज एम इंटू सी पी, एम इंटू सी पी इक्वल टू आर, आर बाई एम, इसको गामा भी लिख सकते हैं. सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट, आइसोथर्मल एडियाबेटिक प्रोसेस हमने थोड़ा सा स्टडी किया, विल स्टडी Continue this topic in our next class. Okay? So thank you very much.